जब मैं था तब हरी नहीं, जब हरी है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। नमस्ते। ओशो ज़ेन टैरो के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं द कार्ड ऑफ मैच्योरिटी की, और कार्ड ऑफ मैच्योरिटी को हम कंपेयर कर रहे हैं एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ, जो कि राइडर वेट का कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल्स जो है वो कार्ड है नई बिगनिंग का, नई अपॉर्चुनिटीज का, मटीरियल अबंडेंस का। पेंटिकल्स का एलिमेंट जो है वो है अर्थ, और इसको हम स्टेबिलिटी के साथ जोड़ते हैं, अबंडेंस के साथ जोड़ते हैं, प्रॉस्पैरिटी के साथ जोड़ते हैं। कार्ड में हम देख सकते हैं एक बादलों में से एक हाथ निकल रहा है जो कि पेंटिकल आपको जो है दे रहा है। ये हाथ रिप्रेजेंट करता है कि जो पेंटिकल की शक्ति है, कि जो पेंटिकल का जो गिफ्ट है वो आपको बर्थ से मिला है, कि जब आप इस पृथ्वी पर आए थे तब आपको जो है साथ में जो है ये पेंटिकल गिफ्ट भी आपके साथ ही आया था। ये पेंटिकल वही है जो मैजिशियन ने अपनी टेबल पर डिस्कवर किया था उन बाकी के चार एलिमेंट्स के साथ। अक्सर जब पेंटिकल्स का कार्ड आता है आपकी रीडिंग में, तो पेंटिकल्स जो है हमारी प्रॉस्पेरिटी को जो है शो करता है। इसको हम फिजिकल करेंसी भी कह सकते हैं। ये वो करेंसी है जिसका उपयोग जो है आप पृथ्वी पर करेंगे। तो एस ऑफ पेंटिकल्स सिंपली आपको जो है आपकी प्रॉस्पेरिटी की याद दिला रहा है, आपकी स्टेबिलिटी की याद दिला रहा है, आपकी ग्रोथ, फर्टिलिटी और एबंडेंस की याद दिला रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स की एक्सप्लेनेशन मैं छोटी ही रखूँगा यहाँ पे। अब हम बात करते हैं द कार्ड ऑफ मैच्योरिटी की। मैच्योरिटी कार्ड के पिक्चोरियल में हम देख सकते हैं कि एक फिगर जो है जो हमने शो करी है, जहाँ पे जो है फ्लावरिंग हो रही है, जहाँ पे ब्लॉसमिंग हो रही है। ये रिजल्ट है आपकी मैच्योरिटी का, कि आपने जो है जीवन के लेसन को सीखा, जीवन के लेसन को समझा, उस जीवन के नियमों को अपने जीवन में लागू किया, जो लॉज ऑफ यूनिवर्स हैं उसको अपनी लाइफ में अप्लाई किया, और उसके अप्लाई करने के कारण आपके जीवन में जो है फूल खिलने लग गए। इस फिगर में हम वही देख सकते हैं कि एक खिलावट का समय जो है शो कर रहा है, कि इस व्यक्ति के जीवन में प्रौढ़ता आ गई है, कि इस व्यक्ति के जीवन में जो है एक अंडरस्टैंडिंग का जन्म हुआ है। और ये कार्ड जो है आपको इशारा जो है आपकी मैच्योरिटी की तरफ करता है, कि आपकी सोल, आपका फूल जो है खिलने के लिए तरस रहा है, कि जब तक कि आपके वो भीतर का फूल नहीं खिल जाता, जब तक कि आपके भीतर की वो जो मैच्योरिटी है, जब तक कि वो पीक पे नहीं पहुंच जाती, तब तक जो है कुछ ना कुछ अधूरा रहेगा, तब तक जो है आपके जीवन का फूल नहीं खिलेगा। गुरु ओशो की टीचिंग्स इस कार्ड के बारे में यही हैं। वो आपको ये बताती हैं कि आपके और बुध में जो है थोड़ा सा फर्क है। बुध का जो फूल है वो खिल चुका है, क्योंकि वो जानते हैं अपने फूल को, उन्होंने रियलाइज़ किया है, और आपने जो है अभी उस फूल की तरफ जो है अपनी नज़र नहीं घुमाई है। जिस दिन आपके भीतर जो है वो रियलाइजेशन होनी शुरू हो जाती है, उस दिन जो है आपकी मैच्योरिटी का फूल जो है खिलना शुरू हो जाता है। अपनी शुदा में नहीं है समाधान, अपनी पूर्ति में नहीं है आनंद, जब हम स्वयं से ऊंचे उठते हैं तभी मिलता है असली ज्ञान। समझने का सिलसिला होता नहीं कभी पूरा, सीखने की यात्रा है अनंत। प्रत्येक क्षण एक नई उम्र लाता है और विशाल होती जीवन की वृत्ति। हमारी अस्थायी खुशियां हो सकती हैं बहुमूल्य, लेकिन नहीं वो बौद्धिक। सच्ची परिपक्वता, सच्चा आनंद मिले स्वयं की खोज में। तो मैच्योरिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको जो है आपने पाना है। मैच्योरिटी कुछ ऐसी चीज़ है जिसको आपने जीना है अपने क्षण क्षण में। जैसे जैसे आप अपने जीवन को रियलाइज करते हैं, अपने ग्रोथ के प्रोसेस के साथ जो है एक होते हैं, वैसे वैसे जो है आपके भीतर का जो मैच्योरिटी का फूल है वो खिलना शुरू होता है। तो ये कुछ ऐसा प्रोसेस है जो पूरी ज़िंदगी आपका चलता है और कंटिन्यूसली चलता रहता है, क्योंकि आप कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं, आप कंटिन्यूसली जो है इवॉल्व कर रहे हैं, आप कंटिन्यूसली जो है मैच्योर होते जा रहे हैं, और हमारी मैच्योरिटी का कोई अंत नहीं है। तो यहाँ पे जब हम जिस मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं, हम जो है खिलने की बात कर रहे हैं। इसलिए हमने जो है अपने सातवें चक्र को जो है अनंत फूलों के साथ जो है दिखाया, जिसमें अनंत पखड़ियाँ हैं, जिसमें अनंत अनंत फूल खिले हुए हैं। और मैच्योरिटी है क्या? मैच्योरिटी ये नहीं है कि आपको परफेक्ट हो जाना है। मैच्योरिटी मतलब आप जो है सिंपली अपनी ऑनेस्टी को जीना शुरू करते हैं, आप अपने स्वयं में होना शुरू करते हैं, कि आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं, कि आप अपने गुणों को स्वीकार करते हैं, और उसी स्वीकार के साथ जो है आप अपने जीवन को जीते हैं। याद रखिए, स्पिरिचुअलिटी का प्रोसेस जो है आपकी ऑनेस्टी से शुरू होता है, आपकी ईमानदारी से, कि जब आप अपने आप को स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं, और वो स्वीकार जो है मैच्योरिटी का जो है पहला कदम है।
और उस स्वीकार के साथ आप अपने बॉडी और माइंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अपने थॉट्स की जिम्मेवारी लेते हैं। आप ये अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं कि आपके लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। एक डिस्क्रिमिनेशन की जो है एक पावर आपके अंदर आनी शुरू होती है, जिसके कारण जो है आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपके लिए ठीक है और क्या आपके लिए ठीक नहीं है। और मैच्योरिटी का ये भी मतलब है कि जब हम अपने लाइफ की प्रोसेसेस को एक्सेप्ट करते हैं, जब हम अपने बॉडी और माइंड को स्वीकार करते हैं, उस स्वीकार के साथ साथ जो है हम दूसरे को भी स्वीकार करते हैं कि जैसा वो है, उस स्वीकार में जो है आपकी भीतर की मैच्योरिटी और बढ़ती है। भगवान बुद्ध के जीवन की एक कहानी है कीसा गौतमी की। कीसा गौतमी का एक ही पुत्र था और उस पुत्र की जो है मृत्यु हो गई थी। उसके पति की तो मृत्यु पहले ही हो चुकी थी और अब बच्चे की भी मृत्यु हो गई। वो दुख से जो है पागल हो रखी थी, उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो घर घर जाने लगी, वो बोलने लगी कि मेरे बच्चे को वापस ले आओ। गांव में जितने भी वैद्य थे उन सब के पास वो चली गई थी। फिर किसी ने बोला गांव में बुद्ध आए हैं, अगर कोई तेरे बच्चे को जिंदा कर सकता है तो वो बुद्ध जिंदा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। कीसा गौतमी जो है अपने बच्चे को लेके जो है बुद्ध के पास गई और अपने बच्चे को ले जाकर उसने जो है बुद्ध के चरणों में डाल दिया और बुद्ध के आगे हाथ जोड़े और बोली कि भगवान आप ही इसको वापस ला सकते हैं, इसको जो है आप ही जिंदा कर सकते हैं, ये मेरा आखिरी सहारा है, इसके बिना मैं नहीं जी पाऊंगी, इसको जिंदा कर दो भगवान, इसको जिंदा कर दो। बुद्ध ये सब कुछ देख रहे थे और गांव की पूरी भीड़ जो है बुद्ध के आसपास इकट्ठी हो गई थी। सब सोच रहे थे कोई ना कोई चमत्कार होगा। बुद्ध ने जो है कीसा गौतमी की आंखों में देखा और बोले कि ठीक है, मैं इसको जिंदा कर दूंगा, लेकिन एक छोटा सा एक काम करना पड़ेगा, तेरे को जो है सरसों के बीज लाने होंगे। कीसा गौतमी एकदम से बोली, सरसों के बीज क्यों नहीं, आप जितने कहेंगे उतने में ले आऊंगी। लेकिन बुद्ध ने कहा कि रुक, लेकिन उसके ऊपर एक शर्त है, सरसों के बीज उस घर से लाने हैं जहां पे कभी मृत्यु नहीं हुई। कीसा गौतमी ने तो सोचा ही नहीं, वो तो फटाफट भागी, वो गांव पे वापस आई, घर घर पूछने लगी कि आपके पास जो है सरसों के बीज हैं। तो वो गांव जो था वो तो सरसों की खेती ही करता था, सबके पास थे सरसों के बीज। तो वो द्वार द्वार जब जाती उसको जो है निराशा मिलने लगी, क्योंकि सबके घरों में मृत्यु हुई थी। लोगों ने कहा कि तेरे को जितने सरसों के बीज चाहिए बोरियां दे दें हम तेरे को, लेकिन हमारे बीज काम नहीं आएंगे क्योंकि हमारे घर में मृत्यु हुई हुई है। शाम होते होते कीसा गौतमी जो है हर एक घर में जो है दस्तक दे चुकी थी, लेकिन उसको एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहाँ पे मृत्यु ना हुई हो। और ये सब कुछ के बाद जो है कीसा गौतमी जो है वापस लौटने लगी बुद्ध के पास। वो बुद्ध के पास वापस लौटी और वो बुद्ध के चरणों में जो है नतमस्तक हो गई। फिर कीसा गौतमी ने बुद्ध को कहा कि मुझे शिष्य की तरह स्वीकार कीजिए। बुद्ध ने जो है कीसा गौतमी की तरफ देखा और बोले, क्यों तुझे मुझे कुछ पूछना नहीं है, क्या हुआ सरसों के बीजों का जो मैंने तुझसे मांगे थे, अपने बेटे को जिंदा नहीं करना। कीसा गौतमी ने कहा, बस इसके बारे में और बात नहीं करनी, आपने भी खूब मजाक करी, मैं आपकी बात समझ गई हूँ कि जीवन के साथ जो है मृत्यु जुड़ी हुई है। अब जब मैंने जान लिया है कि मृत्यु है, तो अब ये सवाल नहीं है कि मेरा बेटा मर गया, अब ये सवाल जो है कीसा गौतमी का है कि एक दिन मैं भी मरूंगी और इससे पहले मृत्यु हुआ है, मैं जीवन के रहस्य को जानना चाहती हूँ, भगवान मुझे दीक्षा दीजिए। और बुद्ध ने जो है कीसा गौतमी को शिष्य के रूप में स्वीकार किया। ये एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल था मैच्योरिटी का, कि आपके जीवन में जब प्रौढ़ता आनी शुरू होती है तब आप मृत्यु के प्रति कॉन्शियस हो जाते हैं, तब आप ये रियलाइज करने लग जाते हैं कि ये शरीर कितना क्षणभंगुर है, कभी भी जा सकता है। और असली मैच्योरिटी यही होगी, असली प्रौढ़ता यही होगी कि मृत्यु के आने से पहले आप इस जीवन के रहस्य को समझ लें। तो इस वीडियो का मैं यही अंत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।